आज मैं अपने गेमिंग रूम को सेटअप करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं तुम्हें ये दिखा दूँ मेरा पहला सेटअप या फिर मेरा पहला रूम अभी कैसा दिख रहा है। भाई मैं सही बताऊँ ना यार, ये वो हेडफोन है जो मैंने 2021 में खरीदा था जब मैंने नया नया अपना गेमिंग चैनल शुरू करा था, एंड ये मेरे बहुत ज्यादा साथ निभाए। बट अब मैं इसे नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है मैं 12-16 घंटे पीसी में बैठा रहता हूँ, बस हेडफोन लगा रहता है। मेरा तो क्या है ना, मैं थोड़ा सा मोटा हूँ, ज्यादा मोटा हूँ, तो इससे क्या होता है ना, मेरा फेस का थोड़ा शेप है, उस वजह से ना ये हेडफोन मेरे सर पे उतना बड़ा नहीं दिखता। ना कि ये जो रूम है ये रेंटेड रूम है, तो इसमें मैं ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकता क्योंकि आई डोंट नो भाई मैं यहाँ पर कितने दिन रहूंगा, एंड मैं ज्यादा खर्चा भी नहीं कर सकता इस रूम पे, एंड खर्चा करके भी मेरा भी क्या फायदा होगा अगर इसमें मैंने कलरिंग वगैरह करा तो परमानेंट वही है ना, समझ रहे हो थोड़ा सा। सो बेसिकली मुझे अपना बेड हटाना है जहाँ पे मेरा पीसी अभी के लिए है, उस पीसी को मुझे दूसरी तरफ लेके जाना है, और तीसरी चीज मुझे माइक खरीदनी है, एक वायरलेस एक वायर्ड जो कि मेरे पीसी पे लगेगा। तो ऐसा यकीन ना हो लेकिन ये कमरा बहुत गंदा रहता है। मैं लास्ट में तुम्हें अपना सेटअप का एक छोटा सा टूर भी दे दूंगा। अब देखो मेरे पास कॉपीराइट फ्री गाने नहीं है, इसलिए नहीं तुम खुद सोचो ना कॉपीराइट फ्री गानों में होते ही क्या है। अब देखो वेट, देखो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे ना, ये सबसे ज्यादा ऐसा मोमेंट था मेरे पास, मुझे लग रहा था कि भाई मेरे को रियलाइज हुआ मेरे पास एक दोस्त होना चाहिए। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, इन रियल लाइफ मेरे पास कोई दोस्त नहीं है जो थोड़ी बहुत मदद करे या फिर मेरे काम में हाथ बटा या फिर मैं उसके काम आऊं। खैर मुझे ये चीज अकेले करना था एंड चीजें बहुत ज्यादा भारी था। मेरे पास जो कीबोर्ड है वो लगभग 3 साल से चल रहे हैं एंड वो आज तक साफ नहीं हुए थे, तो मैं रात को उसे घर लेके गया था एंड हर एक की को निकाल निकाल के मैंने उसे अच्छे से धोया। अगला दिन भी मेरा बिल्कुल बेकार गया सिवाय शाम के। टीवी के लिए ड्रिल करवाया, फैन का कैपेसिटर चेंज करा और कुछ इधर उधर ड्रिल करे। तो ये वो माइक जो मैंने अभी भी ऑर्डर करा है, पाइपलाइन का AM8 वाला जो मॉडल है। भाई पता है माइक की वजह से कितने दिक्कतें आ रही थी, मैंने लगातार 3 कास्टिंग डील मिस कर रहे हैं, घर आई लक्ष्मी को मैंने मना करा है, और बाकी तो यार वीडियोस वगैरह नहीं बना पा रहा था मैं, बहुत मुश्किलें हो रही थी रिकॉर्डिंग्स में एंड लाइव स्ट्रीम में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। भाई मैं बस एक ही चीज बताना चाहूंगा, जो लोग मेरा लाइव स्ट्रीम देख रहे थे पिछले 1 महीने से, एंड आवाज मेरी इस ब्लूटूथ से जा रही थी एंड मुझे पता है इस ब्लूटूथ की आवाज कैसी होगी, एंड जो लोग पूरा स्ट्रीम देख रहे थे ना भाई, हैट्स ऑफ टू यू भाई, क्योंकि मैंने एक बार इसकी रिकॉर्डिंग सुनी मैंने गिव अप कर दिया कि भाई इससे तो नहीं करवा। I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. हाँ तो अब जबकि सारे वीडियोस वगैरह हो गए, मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ एक बार। देखो अपग्रेड के मामले में सिर्फ यही चीज अपग्रेड हुई है, और इसको छोड़ के मैंने माइक में सेम अपग्रेड करा है। ये मेरा 1 साल चला लेकिन ये खराब हो गया है, इसमें भी 2 ट्रांसमीटर और 1 रिसीवर आ जाता है। तो ये जो तुम अलग अलग डायरी देख रहे हो ये अलग अलग काम के लिए है, जैसे ये वाला है अपने रील वाली स्क्रिप्ट के लिए, ये भरा हुआ भाई, ये पूरी डायरी भरी हुई है बस रील के स्क्रिप्ट के साथ। ये वाला कंपार्टमेंट जितना तुम ऑर्गेनाइज्ड देख रहे हो ना, ये सिर्फ वीडियो के लिए है, मेरा लंड में कहीं नहीं जाता, ये 2 डियो ऐसे ही पड़े रहते हैं, मुझे खुद नहीं पता इतने सारे पेन में से कौन सा चलता है। उसके था मेरा Redmi Pad 6, इसे मैंने इसलिए खरीदा था ताकि अगर मैं कहीं बाहर जाऊं तो कुछ काम कर सकूं, बट अभी ये मेरे स्टूडियो में भी काम आ रहा है। ये जो तुम ऊपर देख रहे हो ना, ये वाला मॉनिटर नहीं है, ये टीवी है। अगर तुम सोच रहे हो मैं 2-3 फोन के साथ क्या करता हूं, ये वाला जो फोन है ये मेन फोन है, मतलब माल मसाला इसमें ही रहता है, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब है भाई। ये मैं दिखाऊं ना, ये ऐसे निकल जाता है। ये पापा का था, मतलब 1 महीने पहले ये पापा का था, रिसेंटली लास्ट मंथ मैंने फोन गिफ्ट किया था पापा को, तो मैंने ये फोन रख लिया अपने पास, और जिससे शूट हो रही है वो आईफोन 11 है। ये वाला जो तुम वेबकैम देख रहे हो ना, बेसिकली ये मैंने एक सौदे में लिया था, मेरे पास एक गिम्बल था, मैंने अपने दोस्त को गिम्बल दे दिया और उसने मुझे ये दे दिया, उसके पास एक्स्ट्रा पड़ा था। भाई मैं तुम्हें लिटरली बताऊं माइक की क्वालिटी क्या जबरदस्त है यार, मजा आ जाता भाई इस माइक के साथ। तो यार देखो मैं तुम्हें पीसी के बारे में क्या बताऊं, रिसेंटली मैंने इसमें एक एयर कूलर अपग्रेड किया था, रैम अपग्रेड किया था, बाकी तुम्हें कैबिनेट देख के लग रहा होगा कि भाई बड़ी महंगी बातचीत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये पीसी मैंने 2022 के स्टार्टिंग में बिल्ड करा था एंड उस टाइम पे तुम्हें पता है कि ग्राफिक कार्ड और जितने भी पीसी कंपोनेंट्स थे उसके प्राइस काफी ज्यादा हाई हो रखे थे, तो उस वजह से ये जो पीसी है ना, अगर अभी तुम बाय करने जाओगे तो तुम्हें 50-60 के अंदर इजी मिल जाएगा, और तुम अभी के टाइम पे ये बिल्ड करोगे भी नहीं। उसका रीजन सिंपल ये है कि इसमें i5 10th जेन का प्रोसेसर है, 3050 पड़ा है 8GB वाला, और इसमें बेसिकली जो ग्राफिक कार्ड है, तुम YouTube खोल के अगर तुम सर्च करोगे कि कौन सा ग्राफिक कार्ड हमें नहीं लेना है, सबसे पहले तुम्हें 2 नाम आएगा, Inno3D और कलरफुल, और मेरे पीसी में वही पड़ा है। बेसिकली बात ये कि उस टाइम पे मैंने कैबिनेट पे ज्यादा खर्चा किया था एंड इसके साथ अपने को रिमोट भी मिलता, पता है इसकी डिजाइन और
एक रिमोट के साथ ही इसने मेरा दिल जीत लिया था। हालांकि मतलब इसमें बहुत सारे मोड्स होते हैं भाई, भाई लाइटें कर देता है, लेकिन वही है लाइटों वाला शौक मर गया। टैप टैप करने में भाई कलर चेंज होती है। मैं सोच रहा हूँ अगर तुमने इतना ऑर्गेनाइज्ड सेटअप देख लिया है तो तुम पूरा रूम क्यों नहीं देख लेते। तो जैसे ही हम पीसी से थोड़ा इधर की तरफ आते हैं, ये है हमारा 1500 का ट्राइपॉड भाई साहब, ऐसे होते हैं भाई। और जैसे ही तुम इसके साथ यहाँ पे मुड़ोगे तो यहाँ पर तुम्हें मेरा कैलेंडर दिखेगा। कुछ चीजें हैं लाइक जो मैं करना चाहता हूँ या फिर मैंने नहीं करा, इसमें वैलोरेंट खेलना चाहता हूँ और यहाँ पे हमारे कुछ भगवान के फोटो है। और यहाँ पे तुम जैसे भाई बाहर देखोगे ना, यहाँ पे हाईवे है। अब मैं तुम्हें दिखाना जा रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, ये है भाई, ये है BSNL का वाईफाई, ऊपर लगा है जियो एयर फाइबर और यहाँ पे वायर मैनेजमेंट की एस्तेसी हो चुकी है। हाँ, मेरे हिसाब से ये लगा लेना चाहिए हमें, क्योंकि ये ना बड़ा स्पेशल लाइट है, पूरा रूम चमक जाता भाई। तो बेसिकली बात ये है कि मैंने वहाँ पे एक 150 वोल्ट का LED लगा रखा है। मेहनत चल रही है भाई तुम्हारे भाई की, ठीक है। 6 महीने रुक जा, मेरी बॉडी बनने वाली है। जो भी चीजें हैं तार वार के रिलेटेड, जहां से भी जितना भी पावर आता है वो मैंने सब इसके अंदर डाल दिए। मैंने ना इस बार हेडफोन अपग्रेड नहीं करा, मैंने ईयरफोन्स ले लिए एंड बेसिकली ये वाले JBL के हैं एंड ये बढ़िया है यार। देखो ये जो मेरा सेटअप है इसके साथ मेरा पूरा दिन निकल जाता है। तुम्हें लग रहा होगा कि यार शो अप कर रहा है, ये कर रहा, नहीं यार, थ्रू आउट द टाइम भाई एक 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 भाई चीजें जोड़ने में जो मेहनत लगी है ना यार। देखो ये वीडियो बनाने का पता है, एक तो मैं खुद चाहता था ये वीडियो बनाऊं, लेकिन दूसरा मकसद ये था कि ये दिखाऊं कि भाई एक टाइम पे अपन कहां पे वीडियो बनाते थे और इस 2 से 3 साल के अंदर अपने हमने क्या क्या अपग्रेड करा। हाँ हमारा कदम बहुत धीमा है, हाँ मुझे पता है मैं काफी ज्यादा इरेगुलर हो गया हूँ, मुझे पता है मैं वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, बट आप करना यार। वैसे तुम मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हो तो कर लेना, क्योंकि जल्दी मैं हमारी जर्सीज गिव अवे करने वाला हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।